हमारे साथ इस समय राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। मैम, आज राज्यसभा के अंदर एक स्टेटमेंट दी है सरकार ने, क्वेश्चन था जो टीएमसी के एमपी से पूछा था कि गंगा में कितना लाशें भरी प्रोटोकॉल के कोविड के दौरान, उसके पर सरकार ने कहा है कि एस्टिमेट नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये वैसी बात कर रहे हैं जैसे कहा ऑक्सीजन रिलेटेड कोई डेथ ही नहीं हुई। पूरा देश उस समय पे उम्मीद की आस लगाए बैठा था कि ऑक्सीजन मिलेगा और हॉस्पिटल बेड मिलेंगे, आप कुछ भी नहीं दे पाए उनको, और अब यहाँ पे आकर इस तरीके की बात करते हैं। हर चीज़ के लिए डेटा मिसिंग होता है, और आज पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने देखा किस तरीके से जब सेकेंड वेव आया था हमारे प्रधानमंत्री कैंपेनिंग में व्यस्त थे और देश की जनता मर रही थी। तो ये तो घूंगी भैरी और अंधी सरकार है जो इस तरीके के घमंड में बैठी हुई है कि उनसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ और बुराई की तरफ देखती भी नहीं। इसके साथ साथ जो सिचुएशन पैन आउट हो रही है कोविड को लेकर, क्योंकि इसमें ये पूछा गया था कि प्रोटोकॉल्स हैं उसको किस तरह से निकाला गया, उसके ऊपर भी जो है जो आंसर आया है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा है कि एस्टिमेट्स नहीं है, डिजॉल्व हो गए उनकी बॉडीज। गोलमोल सरकार है, देश ने सब देखा है, देश की जनता ने टीवी विजुअल्स देखे हैं, वहाँ पे जो गांव वाले थे उनसे बात हुई है, फोटोग्राफिक एविडेंस है, फिर भी उसको नकार देना यही साबित करता है कि इतना अहंकार है इन लोगों में कि कहीं भी अपनी कमियों को छुपाने में ये लोग व्यस्त हैं, किसी तरीके से कमियों को ठीक करने में कामयाब हो। मेरा आखिरी सवाल है कर्नाटक से रिलेटेड, वहाँ पे हिजाब को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई हुई है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री देवेगौड़ा, उन्होंने कहा है कि सबको बैठना चाहिए और इस इशू को सेटल डाउन करना चाहिए। एब्सोल्युटली, इसमें कंसेंसस होना ज़रूरी है और ये मुद्दा भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे स्कूल्स होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि नहीं। हमारे देश की आर्मी एक यूनिफॉर्म में अबाव देयर रिलीजियस सिंबल्स, अबाव देयर रिलीजियस आइडेंटिटीज करते हैं, तो क्या अब राजनीतिक पक्षों को इसमें स्कूल की में इंटरफेयर करना चाहिए, धर्म और राजनीति से ऊपर हटकर एजुकेशन जी। तो ये भी प्रियंका चतुर्वेदी हमसे बात करती है।